है कि अभी राज्य सरकार से एक आदेश आया हमारे पास कि इन्होंने एक राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस सर्विसेज फाइनेंस का वो एक खोला है डिपार्टमेंट, उसके अंदर 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करो और वो ज़बरदस्ती करो। आज की तारीख में मंडल की स्थिति ये है कि मंडल के पास लगभग 1700 करोड़ रुपए की FDR बताया जा रही है, जबकि हमने हमारी देनदारियों का जो हिसाब लगाया वो 2700 करोड़ की देनदारियाँ हैं, 1208 करोड़ रुपये तो हमें भूमि के मुआवजे के बदले में देने हैं। अगर हम वो मुआवजा राशि नहीं देते हैं तो मंडल के पास भूमि नहीं आएगी, और आज की तारीख में मंडल भूमि की समस्या से बहुत अधिक जूझ रहा है, और मंडल के पास भूमि नहीं होगी तो भावी योजनाएं कहां से आएगी, भावी योजनाएं कैसे होगी। मंडल 258 कर्मचारियों की भर्ती करने जा रहा है, आज अगर वो आएंगे तो नई नई योजनाएं मंडल को बनानी पड़ेगी उनके कामकाज के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके भावी जीवन के लिए। और जब मंडल की राशि सरकार ले जाएगी, और हम ये पूरा अंदेशा है कि सरकार कह रही है कि ये राशि हम मांगने पर वापस दे देंगे, लेकिन चूंकि अभी राज्य सरकार का खजाना खाली है और राज्य सरकार इसीलिए उस सरकारी उपक्रमों पर दबाव बना करके राशि ले रही है, और ये राशि एक बार चली गई तो मंडल को वापस लेने में बहुत जोर आएगा, बहुत दिक्कत आएगी, और ये राशि वापस नहीं आई तो मंडल की सारी परियोजनाएं जो भी निर्माणाधीन है वो भी अटक जाएगी, जमीन भी नहीं ले पाएगा, और हमें पूरा अंदेशा है कि आने वाले समय में मंडल कर्मचारियों के लिए वेतन भत्तों का भी भुगतान करने में कठिनाई हो जाएगी। वार्ता मुख्यमंत्री जी तो अभी हैदराबाद की कार्यशाला के लिए बाहर गए हुए थे, इसलिए उनसे तो हम नहीं मिल पाए, लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी के PS से भी संपर्क किया, हमारे जो अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त हैं उनसे भी हमने संपर्क किया, लेकिन वो कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक राज्य सरकार का खजाना खाली है हमें एनी हाउ राशि लेनी ही लेनी है अन्य विभागों से। हमने खूब समझाने का भी प्रयास किया कि साहब हाउसिंग बोर्ड की स्थिति जैसी बताई गई वो है नहीं, बताने को तो हाउसिंग बोर्ड को कई बार 6,000 करोड़ 10,000 करोड़ का टर्नओवर बताया गया, हम कह रहे 10,000 करोड़ की राशि हाउसिंग बोर्ड के खातों में बता दो, आप 1,000 करोड़ ले जाओ, लेकिन भ्रामक प्रचार किया गया, उसके तहत ही हमें परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं कि राज्य सरकार गलतफहमी से 1,000 करोड़ रुपये लेना चाहती है, जबकि हाउसिंग बोर्ड के पास राशि उपलब्धता से ज़्यादा देनदारियाँ हैं। ऐसा है सर, काले कपड़े हमने महासंघ के आह्वान पर पहने, हमारा आंदोलन जो है नारेबाजी का वो एक हाउसिंग और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ का है, और काले कपड़े के लिए महासंघ द्वारा आह्वान किया गया है, महासंघ की भी 15 सूत्री मांगे हैं जिन पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया। सरकार अखबारों में तो खूब भ्रामक प्रचार कर रही है कि सरकार ने सब कुछ दिया है, कर्मचारियों के लिए भी बहुत कुछ किया है, लेकिन जब हम टेबल टॉक करते हैं तो सरकार एक भी मुद्दे पर सफल नहीं हो पाई कि हमने कर्मचारियों के लिए ये कर दिया। हमारी 9/18/27 की बहुत पुरानी मांग है, और उसमें यह था कि पदोन्नति के अनुसार पे स्केल दिया जाए, आज तक वो भी पूरी नहीं कर पाई है। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात थी, वो संविदा कर्मचारी आज तक नियमित नहीं हो पाए, ऐसी बहुत सारी हमारे कई विभागों की मांगे हैं, उसके लिए महासंघ ने ये 15 सूत्री मांग पत्र को पूरा करने के लिए किया, काले कपड़े हमने उसके आह्वान पर पहने, और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ अपने आंदोलन को स्थगित नहीं करेगा, और जब तक वो राशि जो गई है लगभग 300 करोड़ तो भेज चुके हैं दबाव के बावजूद, वो वापस लेंगे, और भविष्य में सरकार का कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन उसको निरस्त नहीं करेगी जब तक आवासन बोर्ड का कर्मचारी आंदोलनरत रहेगा।